हेलो नमस्कार सत श्री अकाल, कैसे हो आप लोग। मैं आज वेलकम करता हूँ वाईफाई स्टडी पे, विच इज ए पार्ट ऑफ एन अकेडमी। गाइज मैं आप लोगों को बताऊंगा आज कैलकुलेशन को कैसे इम्प्रूव करें। सबसे पहले आप अन अकेडमी पे कोई भी पेड कोर्स लेना चाहते हो तो ये वाला रेफरल कोड लगा देना। SSC कैटेगरी में लो, बैंकिंग में लो, UPSC में लो, चाहे PCS में चलो, डिफेंस में लो। चलो गाइज आगे चलता हूँ। और अन अकेडमी पे मेरी फ्री क्लास होती है तो आप अन अकेडमी पे मुझे यहाँ पे सर्च कर लेना, टीचर इन SSC एग्जाम में जाके अजय कुमार मिठारवाल नाम से, तो मैं आप लोगों को मिल जाऊंगा। और कोई भी फ्री क्लास एक्सेस करने के लिए ये वाला पासवर्ड लगा देना, AJY10। ओके गाइज, अब जैसे मैं आप लोगों को आज कैलकुलेशन के बारे में सिखाऊंगा कुछ बेहतर बेहतर बातें। ये लीजिए गाइज, जैसे मैं आप लोगों को बोलता हूं, एक बार बेस वाली कैलकुलेशन सिखा देता हूं, बेसिक बेस मान के मैं कैलकुलेशन सिखा देता हूं। जैसे मैं आपको बोलू 12 इंटू 13 को मैं गुणा कर देता हूं तो देखना ये 10 के नियर बाई है। मैं बेस 10 मान के कर लेता हूं इसे, ये 10 के आसपास कैलकुलेशन है। तो अब आपके पास में देखो 12 इंटू 13 करूंगा, देखो 12 इंटू 13 किया मेरे भाई, 12 इंटू 13, तो मुझे बताओ ये 10 से कितना ज्यादा, 2 ज्यादा है, और ये 10 से कितना ज्यादा, 3 ज्यादा है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इस 3 को इस 6 से गुणा, 2 से गुणा करूंगा तो 6, फिर ऑब्लिक यहाँ पे 13 में 2 जोड़ दो या फिर 12 में 3 जोड़ दो, तो कितना हो गया 15। यहाँ पे ये एक ही डिजिट लेंगे क्योंकि 0 1 भी आ रहा है, तो एक ही संख्या लेंगे यहाँ पे, तो कितना हो गया 156 हो गया। गाइज आप और कोई भी नंबर ले सकते हो, जरूरी नहीं ये लो। जैसे मैं ले लू 18 इंटू 14, 18 को मैंने 14 से गुणा किया, तो आप मुझे बताओ 18 इंटू 14, तो मैंने बेस कितना मान लिया, 10 ही मान लिया भाई साहब, कितना मान लिया 10, तो 10 से कितना ज्यादा, 8 ज्यादा है, और 10 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। अब मुझे एक बात बताओ, मैं इसको गुणा करूंगा 8 चौक 32, ऑब्लिक या तो 18 में 4 जोड़ दूंगा या फिर 14 में 8 जोड़ दूंगा, बात एक ही, 18 में 4 जोड़ा तो कितना हो गया 22। अब देखना यहाँ पे एक ही संख्या लेनी है क्योंकि 0 1 की है, तो यहाँ पे 2 ले लिया, और ये 3 है ना, ये हासिल में चला जाएगा, हासिल में चला जाएगा तो कितना हो गया 252, राइट आंसर। ओके गाइस, जैसे मैं और कोई ले लेता हूँ, जैसे मैं 19 इंटू 15 ले लिया, 19 इंटू 15 से गुणा किया, मैंने इस बार बेस 10 लेके ही कर रहा हूँ, ज्यादा लेके नहीं कर रहा, बेस 10 लेके कर रहा हूँ, ठीक है ना। और भी जैसे सिंगल डबल बेस लेके भी करेंगे, 19 लिया मैंने तो 19 देखना क्या हो जाएगा, 19 इंटू 15, तो देखो 19 कितना ज्यादा, 10 से 9 ज्यादा है, ये कितना ज्यादा, प्लस का 5 ज्यादा है। अब आप मुझे बता दीजिए यहाँ पे 19 में 5 जोड़ा तो कितना हो गया 24, और ऑब्लिक यहाँ पे देखो 9 5 45, यहाँ पे 10 बेस लिया था आपने, तो एक ही संख्या इधर रखूंगा 5, और ये 4 इधर इसमें चली गई हासिल में, तो कितना हो गया आपके पास में भाई, सिंपली 285, राइट आंसर हो गया। ओके गाइस, चलो और नंबर ले लेता हूं मैं। अब देखना थोड़ा सा मैं बड़ा नंबर लेने की कोशिश करता हूं, जैसे यहां पे मैंने ले लिया 15 और यहां पे मैंने ले लिया 24, 15 इंटू 24, मैंने 15 को 24 से गुणा किया, तो अब आप मुझे बता दीजिए क्या होगा। तो कुछ भी नहीं करना भाई साहब, एक ले लीजिए 15 और एक ले लीजिए 24, अभी भी बेस आप 10 ही मान लीजिए, मैंने 10 बेस माना तो क्या हो जाएगा, ये 5 ज्यादा है, और ये भाई साहब कितना ज्यादा है, ये भाई साहब कितना ज्यादा है, 14 ज्यादा है। अब आप मुझे बता दीजिए 14 5 70, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 14 5 70, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 24 में 5 जोड़ा तो 29, यहाँ पे एक ही डिजिट लूंगा 0, और ये 7 हासिल में चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 36 360। जैसे मैं और कोई नंबर ले लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 14 इंटू 28, 14 को मैंने 28 से गुणा किया, अब आप मुझे करके बता दीजिए क्या होगा, 14 इंटू 28 मैंने किया, तो जल्दी से आप इसको करके बताइए भाई साहब क्या होगा, जल्दी से आप करके बताओ क्या होगा, फटाफट से करके बता दो कैसे करेंगे इसे। कैसे करेंगे गाइज, देखो यहां पे 14 इंटू 28 है, तो यहाँ पे आप मुझे बता दीजिए ये प्लस का 4 ज्यादा है और ये प्लस का 18 ज्यादा है। तो अब आप लोग देखना यहाँ पे 18 चौका 72 हो गया, 28 में 4 जोड़ा तो कितना हो गया 32। अब देखना 7 इधर जुड़ जाएगा क्योंकि एक ही डिजिट लूंगा यहाँ पे 2, और ये 7 इधर चला गया तो कितना हो गया 39, तो 392। अब देखो मैं सब बेस वाले क्वेश्चन ले लेता हूँ, जैसे मैं आपको ऐसे बोल दूं, मैं इसको मिटा रहा हूं, मैंने यहाँ पे बोला 22 और इंटू यहाँ पे मैंने बोल दिया 27, 22 को मैंने 27 से गुणा किया, तो इस बार है ना मैं 22 को कितने से गुणा कर रहा हूँ, 22 को 27 से गुणा कर रहा हूँ, तो इस बार जो बेस ले लेता हूँ वो ले लेता हूँ 20,
बेस में कितना ले लेता हूँ गाइज, आप मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? मैंने बेस यहां पे ले लिया इस बार 20, 20 को क्या लिख सकता हूँ, देखो 10 × 2, तो यहाँ पे ये 20 से कितना ज्यादा, प्लस का 2 ज्यादा, ये 20 से कितना ज्यादा, प्लस का 7 ज्यादा। तो मैं क्या करूंगा, इसको इससे गुणा करूंगा, 7 × 2 = 14, और इसमें इसको जोड़ दूंगा, तो कितना हो जाएगा 29। अब ध्यान रखना, बेस आपने 20 लिया तो 20 को 10 × 2 लिख सकते हैं, तो 2 को इससे गुणा करूंगा इससे, तो कितना हो जाएगा, ये ऐसे लिखा जाएगा 29 × 2 = 58, और यहाँ पे हो जाएगा 14। ये एक ही संख्या लिखी जाएगी यहाँ पे 4, और ये हासिल का इधर चला जाएगा, तो 5 और 9, तो 594 राइट आंसर हो गया। जैसे और कोई नंबर ले लीजिए, जैसे मैं आपको बोल दूं 27 × यहाँ पे मैंने बोल दिया 29, इसका करके बता दीजिए कितना राइट आंसर होगा, जल्दी से करके बताओ भाई साहब। मतलब कोई इतना ज्यादा टफ नहीं है कि आप बहुत ज्यादा ऐसे सोचो कि यार इतना ज्यादा टफ है कैसे करेंगे हम, तो सिंपल सी बात है, एकदम छोटी छोटी बातें होती है, तो आप मुझे करके बताओ इसमें क्या होगा। इस बार 20 मैंने कितना मान लिया, देखो 20, यहाँ पे 27 और यहाँ पे 29, प्लस का 7 ज्यादा और प्लस का 9 ज्यादा, तो 9 × 7 = 63, 20 बेस माना था, तो 20 को आप 10 × 2 लिख सकते हो, तो यहाँ पे 63 + यहाँ पे कितना हो गया 29 में 7 जोड़ा तो 36। अब देखना ये 36 को कितने से गुणा करूंगा, पहले 2 से गुणा करूंगा, 2 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा 72, और यहाँ पे हो जाएगा 63, तो ये 6 इधर जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 78 × 3 मतलब 783, मतलब 27 को 29 से गुणा करो, मतलब बहुत फास्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, एग्जाम में फंसोगे नहीं, मतलब 29 × 27 को ऐसे लफड़ा नहीं पालोगे। चलो मैं और कर लेता हूं, जैसे मैं आपको बोल दू 33 × 37, इस बार आप बेस कितना मान सकते हो, 3 मान सकते हो। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि सर इसमें बेस कितना मानेंगे ऐसे कि 27 × 33, तो इसमें बेस आप क्या मान लो, इसमें बेस आप 20 मान लो, बेस आप 20 मान लो, इसमें 20 मान लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखो 20 से 7 ज्यादा है और 20 से 13 ज्यादा है, तो कितना हो जाएगा आपके पास में 13 × 7 = 91, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसमें ये जोड़ दीजिए कितना हो गया 40। अब देखना 40 को 2 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा 80 और 91, अब ये 9 इधर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 891। इस तरीके से मतलब आप समझ पाए होगे, मतलब आप अपने हिसाब से धीरे धीरे हैबिचुअल हो जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि बेस कितना मानना है। यहाँ पे देखो आपको पता 30 के राउंड फिगर में, तो सब बेस कितना मान लिया, सब बेस मैंने 30 मान लिया, और बेस कितना हो गया 10 × 3, तो इधर आपके पास में 30 से कितना ज्यादा, देखो +3 और यहाँ पे +7, तो अब आप मुझे बता दीजिए कितना हो जाएगा, देखो 7 × 3 = 21, और यहाँ पे ऑब्लिक 3 में 37 जोड़ा तो कितना हो गया 40, या फिर ये 33 में 7 भी जोड़ सकते हो, एक की बात है। अब आप मुझे बताइए कितने से गुणा हो गया, 3 से गुणा होगा, क्योंकि 3 से गुणा होगा तो इधर कितना होगा 120 + 21, अब ये 2 इधर हासिल में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 122 = 1। ओके राइट आंसर आ गया समझ में, आपको कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे बता दो यार, मतलब बहुत ज्यादा टफ नहीं है, आप इजी वे में इसे यूजुअली यूज कर सकते हो। चलो मैं अब आगे चल रहा हूं, अब ऐसे 55 × 67 आ जाए तो आप गुणा कर सकते हो, बेस कितना मान लोगे 50 मान लोगे, मतलब राउंड फिगर में ये चीजें कर सकते हो, बहुत मतलब ज्यादा टफ नहीं है, मतलब ऐसे करने की जरूरत नहीं है कि 55 × 67 फिर ऐसे करो 7 × 5 = 35, ऐसे बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है, वैदिक मैथ से इन्हें कर सकते हो। जैसे अब मैं बेस थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, बेस अब मैं 100 मान के करता हूँ, जैसे मैं आपको बोलू 105, अब देखो पहले बेस 10 था, फिर सब बेस 20 से लेके 90 तक हो गए, 20 से लेके 90 तक सब बेस हो गए भाई साहब, तो आप इस बात को समझ गए होगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब आप मुझे एक बात बताओ, सिंपली अपन मैं क्या करूंगा यहां पे 107 × 105, अब आप मुझे बता दीजिए बेस मैंने 100 माना, अब बेस अगर मैंने 100 माना तो ये कितना ज्यादा, प्लस का 7 ज्यादा, और ये बेस मैंने 5 माना तो प्लस का 5 ज्यादा। अब आप मुझे बता दीजिए मैं इधर गुणा करूंगा 7 × 35, इधर लगा दूंगा ऑब्लिक, या तो 105 में 7 जोड़ दो या 107 में 5 जोड़ दो, तो कितना हो गया 112। अब इस ऑब्लिक के इधर 2 ही डिजिट रखूंगा क्योंकि 02 है, तो आपके पास में कितना हो गया 112 और 35। जैसे मैं अब आपको बोल देता हूं यहां पे 113 × 107, इसको करके बता दीजिए तो क्या बोलोगे 113 × 107, 100 से कितना ज्यादा, देखो +13
यहाँ पे 100 से कितना ज्यादा, देखो प्लस का 7 कितना हो गया, 13 7 91, ये इसमें जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 20, तो आपके पास में 291। इधर दो ही संख्या होंगी क्योंकि दो जीरो है मेरे भाई, आप समझ पाए होगे, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं अब आपको बोल देता हूँ 92, मतलब नियर बाई में 92, और इधर मैं बोल देता हूँ 89। अब मुझे एक बात बता दीजिए, यहाँ पे मैंने 92 लिया, अब ये 92 से कितना ज्यादा आप मुझे बता दीजिए, 92 8 कम है 100 से, ये 89 है, ये कितना कम है आप मुझे बता दीजिए, 11 कम है। अब देखो माइनस को माइनस से गुणा करूंगा तो प्लस हो जाएगा, तो 11 8 88, और इधर कितना हो जाएगा, 89 में से 8 हटाना पड़ेगा, देखो हटाना माइनस है ना, तो हटाना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 81 ऑब्लिक, तो ये दो डिजिट इधर रहेंगे क्योंकि 100 बेस माना था आप लोगों ने, तो आपको पता चल गया ये 81 हो गया, तो 81 88 इस बात का राइट आंसर हो गया। होप सो वेल डूइंग आप इस बात को समझ पाए, अगर नहीं समझ पाए तो आप मुझे बता दो, मैं अगली बात पे चलता हूं, मैं अब यहां पे आप मुझे बता दीजिए, लाइक जैसे मैं आपको बोलूं, एक बोल दूं 92 और एक बोल दूं मैं 105, अब आप मुझे बता दीजिए, तो आप मुझे बता दीजिए यहां पे 92 है और यहां पे 105 है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो क्या ये माइनस का 8 कम है और ये प्लस का 5 ज्यादा है, तो सबसे पहले तो मैं इसको इससे गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 40, और ऑब्लिक यहाँ पे 92 में 5 जोड़ दो या 105 में से 8 हटा दो, तो 92 में 5 जोड़ो तो 97 होगा। अब ध्यान रखना ये माइनस का 40 जब भी आता तो इसमें प्लस 100 जोड़ दूंगा एक बार, तभी ये सही होगा, प्लस का 100 जोड़ा तो कितना हो गया आपके पास में 60 हो गया ना, ये तो आपके पास में कितना हो गया 97 60। तो भाई साहब यहाँ पे माइनस वाला रिजल्ट आ जाए तो उसको 100 में जोड़ के फिर रिजल्ट लिखेंगे। होप सो वेल डूइंग, ऐसे आपके पास में कैलकुलेशन आ जाए, जैसे 1005 × 1021, तो आप क्या बोलोगे इस बार बेस 1000 मान लोगे क्योंकि 1000 के आसपास है, अब 1000 से प्लस का 5 ज्यादा, 1000 से प्लस का 21 ज्यादा, तो 21 × 105 ऑब्लिक इसमें ये जोड़ दीजिए तो 21 026 10 26 हो गया, नहीं हो गया, यहाँ 3 ही डिजिट होनी चाहिए क्योंकि 03 है इस बार, तो ये नियर बाई वाली कैलकुलेशन है। बाकी अगले वीडियो में मैं और जो बीच वाली कैलकुलेशन है, मतलब 100 से लेके 1000 तक के संख्या के बीच में जो कैलकुलेशन है, उसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, इस वीडियो में वो कंप्लीट होगा नहीं क्योंकि 10-15 मिनट मैं कोशिश करता हूं कि 10-15 मिनट में आप चीजें सीखने की कोशिश करो। होप सो वेल डूइंग, तो छोटी छोटी कैलकुलेशन जो काम आएगी, देखो बड़ी कैलकुलेशन भी मैं सिखाऊंगा, जैसे 352 × 547, ये बीच में कैलकुलेशन है 100 से 1000 की, तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैं अभी सिखाऊंगा आप लोगों को, बस शर्त ये है आप लोगों को लगातार वीडियो को शेयर करना पड़ेगा, प्रत्येक जो भी बच्चा देखे वो 10 ग्रुपों में शेयर करें, ग्रुप्स में शेयर करें, जिससे मैं अगली वीडियो जितनी जल्दी शेयर करूं, ठीक है ना। इस वीडियो का जो टारगेट है वो 10,000 व्यूज है, 10,000 व्यूज लेके आ जाओगे 10K, तो मैं अगली इस कैलकुलेशन की वीडियो 100 से लेकर 1000 तक के जो नंबर है बीच में वो बताऊंगा, और फिर 1000 से लेके जो आगे तक के नंबर है वो बताऊंगा, जैसे 352 × 547 को गुणा कैसे करूं, 347 × 52 को कैसे गुणा करूं, इस टाइप के नंबर को मैं आपको बताऊंगा। तो होप सो वेल डूइंग आप इसे शेयर करोगे सबसे पहले, किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो मुझे बता देना भाई साहब। अब मैं आगे बताने की कोशिश, अनअकैडमी पे कोई भी पेड कोर्स लेते हो तो ये वाला रेफरल कोड लगा देना भाई साहब, AJY10। अनअकैडमी पे फ्री क्लास लेने के लिए यहाँ पे AJ अजय कुमार मिठारवाल नाम सर्च कर लेना गाइस। आगे चलता हूं मैं इसी उत्साह उमंग के साथ, ठीक है गाइस, किसी को कोई दिक्कत परेशानी, थैंक यू गाइस, लाइक कर देना, शेयर कर देना, ओके बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।